ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାତା ଟିଟାଣ ସେହି ପିଲାଟି ସାନ୍ଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ନାଇ ମା ଟାଣ ପିତାଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମା ଯଦି ଟାଣ ହବ ପିଲାବେଳରେ ନା କଞ୍ଚାରୁ ମାଟିଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି କୁମ୍ଭାର ଯେମିତି ତିଆରି କରିଥିବୁ ସେଇଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହବ ନାଇ ତେଣୁ ଧନେଶ୍ୱର ପାଣି ଇଂରାଜୀ କବି କହିଲେ ମଦର ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ଟିଚର ଇଜ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ମଦର ମାନବ ଶିଶୁର ମା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ତେଣୁ ଆଜି ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ସ୍ରବୁନି କଣ କରିବେ ମନ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି କହିଲେ କାହାକୁ ଡାକିବି ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବହି ହଉଛି ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌତିଶା ରାଗ ଆସିବ ପଦୁଟିଏ କାମୋଦି ତାଳ ପଡିବା ତ୍ରିପୁର ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌତିଶା बड़ भाई बागेगी पदटा टिके धरि से क्षमा निधि को बारे दर्शन रे से खिति ख्याति को समर्पित क्षमा मो अपराध ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନୀଳାଦ୍ରିଶଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସଂସାର ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ତନରୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ସ୍ରବିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି ହେ ଇଏ ତ ଶ୍ରେଣୀଖିଆ ଠାକୁର ରାଣୀ ମାନସିକ କରିଦେଲେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ସ୍ରବିଲେ ଯୋଉଦିନ ଏ ପୁଅର ଏକବିଂଶ ଦିବସ ପାଳନ ହବ କଲା ସେଇଦିନ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଶ୍ରେଣୀ ପୂଜିବି ହେ
ए मानसिक करि पीर पूजा कु मान्य मु करिबि हो भगवान नारायण को मानसिक करि दिले राणी को स्तन रु क्षीर स्रविला पुआटा आनंद रे क्षीर पान कला पुआ क्षीर पी कला ही परे दिन परे या दिन केते गोवा हो दिन पर दिन जाइछि आजि होछि एकविंश दिवस हां जंगल भितर जो कुवटी कि पाइके आनिथिले आजि तार नामकरण करा जे बाबा राजांकर नाम नृसिंह राणीकर नाम होछि सुलोचना हां एकविंश दिवस रे हां डाकिले दूत कोन हला नारायणकर पूजा हबो हां नाइ म आउ आगो टिके नर्तकी डाकिबा हां नृत्य गीत परिवेषण हबो हां समस्त भूरी भोजन खाइबे बाबा नाइ हां तापर पूरा नामकरण हो बस हां बढ़िया कथा डाकी दियो आन कोन देह बाबिला एकविंश दिवस रे पुत्र टिने नामकरण दिया जाई ना बापांकर नाम होला नृसिंह राणीकर नाम होला सुलोचना पुत्र टिरा नाम रखा गला विद्याधर हे रह बुझिला घटन रा कोन बुझिला साहू बाबू पुआटे जन्म है हां हां एकविंश दिवस रे ता नामकरण करा जाई छी विद्याधर विद्याधर बढ़िया नाटा सारे मां गर्भरु हां पुआटे जन्म होई छी आम समस्तंग कथा कहू छी आमे जे तबले समस्ते मां गर्भरु जन्म नेले हां मां गर्भरु पांचटा रत्न को नै आमे समस्ते जन्म होई छी हे पांचटा रत्न कोन जानिबा जाहा को पंच रत्न बोली कहू छी हां ए संसार जेते आमे समस्ते जन्म होई छी जन्म हवा समय रे मां गर्भरु पांचटा रत्न को नै कि आमे जन्म होई छी कवि कोन कोन जानि ना आपन मानकर कवि होउ छी भर्तु हरि हां गोड़ सुंदर श्लोक लिखिले हैं लिखिले कौन भक्तरी लिखिले लिखिया श्लोकडा जानिबा देखिबा पांचटा रत्न कोन जा को पंच रत्न कंती कोन से रत्न ना को हां पंच रत्न बस सुन हां बसिले एटा धरि होन त सुदनी कलायुर कर्मंच वितंच विद्या निधनो में बच तानी पंच रत्नानी कला मातृ गर्भस्थ स्थयते ना आयु आयु बोलन ते आयुष मां गर्भरु आमे आयुष नेके आसी केते वर्ष बंचिबा कर्म ना भल कर्म करिबा कि खराब कर्म करिबा मां गर्भरु आमे ए कथाटा नेके आसी वितंच ना धन्य हवा कि गरीब हवा ए कथाटा मां गर्भरु विद्या ना शिक्षित हवा कि मूर्ख हवा मां गर्भ रु स्थिर संसार भितर निधन निधन शब्द अर्थ हूँ मृत्यु केते वर्ष बंचिबा ए पांचटा कथा मां गर्भ रु स्थिर नाही ए संसार भितर आज्ञा मां गर्भ रु पांचटा जिनिस स्थिर होइके आसी थाए नाही हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव एठ आज्ञा घटना है कौन ना पुअर एकविंश दिवस नामकरण सरी दिन पर दिन आज पुह बढ़ी चली नाम रखाला विद्याधर आप कवि गुणबाई बांका दास गोटे सुंदर चौपदी पद टे लिखिले आज बढ़ी चली कुमार एत बड़ू थाई गेले गेले दिनु अभी कुमारे पूरी ला दिवस जन्मदिन शेष अरे पूरी ला दिवस जन्मदिन शेष दासिया हसी बाचिले दिनु अबिना कुमारे कुमार अंबारोड़ी दे चाले लंड भन हो गंडे हस्त दई
अरे लंडा भंडा होई गन्ने हस दई खंडा खंडा भाषा बोले दिनु ना बिना कुपा एता बड़ू ताई गेले गेले ओढ़ाई बर से बढ़ाई पयर ए घर से घर भूले भला ओढ़ाई बर से बढ़ाई पयर ए घर बोले बांकनी दी होई गला सीधी अरे बोले बांकनी दी होई गला सीधी ताले खाथिला भोले दिनु ना बिना तुम्हारे एता बड़ु थाई गेले गेले दिनु बिना अरे बड़ु थाई गेले गेले दिन परे दिन बढ़ी चली छी चारि वर्ष चारि मास चारि दिन होई अच्छा गुरु आश्रम रे विद्या अर्जन करी दादा ना ए सात बार भितरे हां प्रथम करि की पुआ बहु दिन पाठ पढ़िले तार भलो पाठ हो जानिबा गुरु श्रेष्ठ विद्या आरंभ ना गुरुवार टा होची श्रेष्ठ बार अच्छा गुरुवार रे हां प्रथम करि पिलाटी खड़ी छी बस नाही हां ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनटा शून्य काटी हां अच्छा साहू बाबू बापा माने बसी जंती गोटे भल कथा पदुटे कह विषय को आगुन शास्त्र कहे बापा माने के पुआ को पाठ पढ़े बापा पाठ पढ़े पुअर पाठ हम साहू बाबू ये विश्वाल घर पाठ बापा पाठ पढ़े पुअर हबन मो बापा पाठ पढ़े पुअर केमी कहीं हबन कौटे अच्छी बापा मन पाठ पढ़े पुओ मान पाठ हबनी पुराण भितर लिखा तो कह पुराण अरे सार कहले पुरा गुरु कथा कह मूर्ख तो बुझु अंगिरा पु हूं बृहस्पति बृहस्पति आ शुक्लाचार्य ये हूँ दी भाई भृगु पुत्र हेले शुक्लाचार्य अंगिरा पुह बृहस्पति बृहस्पति आ शुक्लाचार्य को अंगिरा पाठ पढ़ले दी भाई जाक पाठ पढ़ले दादा बड़ापा पुह ये ब्रह्मा पुह अंगिरा भृगु दी जन जाक पाठ पढ़ाऊँ दिने आज्ञा पचारे प्रश्न टे क्या ना बृहस्पति की शुक्लाचार्य को अंगिरा प्रश्न टे पचार अंगिरा जो प्रश्न पचारे ए प्रश्न उत्तर टा दे किए ना अंगिरा पुआ बृहस्पति बृहस्पति जो उत्तर देदेली शुक्लाचार्य उत्तर दे पारे शुक्लाचार्य कहले आपण ए पाठ मत पढ़े ना मो अज्ञात गुप्त भाव आपण निज पुओ को ये पाठ पढ़े तेणु आज आपन को अभिशाप दौर कला आज ठार बापा पढ़ले पुअर हबनी हो शिव निकट को जाई पाइले से मृत्यु संजीवनी हो पढ़ले शुक्लाचार्य देवदेव महादेव को गुरु कले मृत्यु संजीवनी मंत्र को लाभ कले ना तेणु बापा मैंने पाठ पढ़ले पुअर हबनी बोली से दिन अभिशाप दे देव शुक्लाचार्य राक्षस मान गुरु शुक्लाचार्य देवता मान गुरु हूँ बृहस्पति ये मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव पुराण तुष्णी महिअस्सी मो आर्ज ना माँ मान तेणु पुआ जी बढ़ी चली दिन पर दिन पुआ बढ़ी चली पुह को बार वर्ष हो जा बार वर्ष जिते बड़े बापा राजधर्म अनुसार प्रत्येक दिन जंगल को जा मृग मान शिकार करती पु कहला बापा मुझे जंगल को जी मृग मान शिकार करी बापा कहले ठीक अच्छे आस सन्या सामंत जिते मो सांगे समस्ते आस सन्या समस्त समस्ते
विद्याधर सहित विराट जंगल को मुर्ग शिकार करने जाज्ञा एकविंश दिवस गला नारायण को शिरीणी पूजा दे पुअर जन्मदिन गला नारायण को शिरीणी भोग दे माँ मनस्थ कर मो स्तन क्षीर स्रविले एक लक्ष टकर शिरीणी भोग देवी पुआ को बार वर्ष है नारायण शिरीणी भोग को दे पुआ जा विराट जंगल भितर मुर्ग शिकार करने बुलू भगवान तो मायाधर कले मो माय मत अगोचर का जानवे नर छार ना मो माय देवता मान तो जानी पारती हाँ ये सामान्य मनुष्य जानव विराट जंगल भितर हठात संध्या आसी संध्या समय एमती नारायण माय कले सैन्य सामंत जी जुआडे छाड़ी चलीगले विद्याधर गोटे गच्छ मूल बसी गच्छे अश्वटा को बांधि संध्या जिते बड़े सैन्य सामंत कहीं कड़े समस्ते जी जुआडे चलीगले निशार्ध रात हो जा पुओ सोई पड़ी निद्रु जत उठी पड़ा अधारा देखला विराट जंगल भितर काउकोली ठाप ना पक्षी मान राब ना ये बड़ जंगल भितर सैन्य सामंत मान गले कड़े घोड़ा ना मो सांगे रे मो बापा पठे सैन्य गले सब चिंतामणि मने कोला चित्कार कोला चित्कार मने कोला चित्कार मोरो सो बांधिने इचे मने के विराट जंगल भितर बार वर्ष पुआ लगुच्छी विराट जंगल भितर मु घोड़ा टा को चोरी करके नेला सैन्य सामंत माने गले कुआडे सब इत्ते बड़ जंगल भितर मु जीवी कुआडे विराट जंगल भितर कला हे चिंतामणि हे आर्तत्राण दीनबंधु दुखनाशन प्रभु टिके दया करो दया करो टिके कला प्रभु आपण परा दयार अवतार आपण परा दयार ठाकुर मते टिके दया करिवेनि ये आज्ञा प्रभु को डाकुची अविश्वर्य बलदेव रथ साहु बाबू पदुट छंद राग काम भला जल दिये निज घर दे गुरु ये संसार भितर से होचुनी जने अन्यतम गुरु ये ना गायक कौस्तुव रमेश चंद्र विश्वास तांकरी छाट रे पदरा उठिबो हां पला बोता ओ बोली आज्ञा देले कृपानिधि 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 अभुजंग सन्नो Oh!
କୈପୁଣ୍ଡ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସହି ପାଇଲେନି କଳା ଫକୀର ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ କରିଲେ ଗମନ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ଧନ ଅଶ୍ୱନୀ ଅଜାଣ ଆରେ ପୁଅ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏତେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ମୁଁ କାନ୍ଦିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି କଣ କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ରାଜକୁମାର ଆସିଥିଲି ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଏଇଠି ଅଶ୍ୱଟାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲି ମୋ ଅଶ୍ୱକୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପଳେଇଗଲେ ମୁଁ ନେଇଛି ମୁଁ ମୁଁ ନେଇଛି ତମେ କିଏ କହିବ ଟିକେ ମୁଁ ହଉଛି ଫକୀର ନାରାୟଣ ତମେ ନାରାୟଣ ଶୁଣୁ ତୋ ମା ବାପା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଶିରିଣୀ ମନସ୍ଥ କରିକି ମତେ ଦେଲେନି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶିରିଣୀ ନ ଦେବେ ତୁ ଆଉ ରାଜକଟକ ଫେରି ପାରିବୁନି ନେ ତ ଅଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଳ କଟକ ଯା ତାରାବତୀ ସହିତ ତୁ ସିଂହଳ କଟକରେ ପ୍ରେମ ଆଳାପ କରି ତାକୁ ବିବାହ କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଏଇଆ କଲେ ତାହେଲେ ଶିରିଣୀ ପୂଜା ବିପଦ ପଡିଲେ ମତେ ଡାକିବୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ନାରାୟଣ ବୋଲି କହିବୁ ଚାରିଦିନ ଗତ ହେଇଗଲାଣି ମା ବାପା ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜାରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇ ପୁଅର ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁଅ ଆଉ ଫେରୁନି ଏଣେ ଅଶ୍ୱ ଚଢି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ନା ସିଂହଳ କଟକର ଉପବନ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଉପବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ଦିନୀଟି ଅଛି ଗଛରେ ଘୋଡ଼ା ଟିକି ବାନ୍ଧି ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି ସିଂହଳ କଟକର ରାଜା ବୀରସେନଙ୍କର ଝିଅ ନାମ ତାରାବତୀ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଷ୍ପ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆସି ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଷ୍ପ ଆଳାପ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସରିବ ତେଣୁ ଏ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଥା ସାରିଦେବା ତେଣୁ ଏଇଠି ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ଅଶ୍ୱଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଏ ଅଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଏ ସମୟରେ ତାରାବତୀ ଡାକିଲା କହିଲା ସଖୀ ସଖୀ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏ ଅଶ୍ୱ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ଏଠି ସୁନ୍ଦରିଆ ପୁରୁଷ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତୁ ଆଉ ଫେଣାନି ବାପା ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଝିଅ କଣ କରିଛି ପୁଅକୁ ଦେଖିଦେଇଛି ପୁଅ ଦେଖିଦେଇଛି ଝିଅକୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢି ଯାଇଛି ନା ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେଇଯାଇଛି ପନ୍ଦର ପର ପଞ୍ଚଜାଳ ଭିତରେ ଶରୀର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି।